आंवले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं आंवले के गट्टे या आंवले के आलू। तो हम आंवले को रात भर भिगोने के लिए रख देते हैं और ये भीग जाते हैं। इसमें मैंने 20 से 22 कलियां ली हैं सूखे हुए आंवले की। बेसन और आंवले आंवले को पीस लेना है। बेसन का डो बनाकर हमें एक रख लेना है, अजवाइन और नमक डालकर। और ग्रेवी के लिए हमें चाहिए है प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर यदि आप लेना चाहते हैं तो ये हम ग्रेवी के लिए इसे मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। और ये जो भीगा हुआ आंवला है, बेसन है, इनका हम एक डो बनाकर रख लेते हैं। आंवले को पीस कर और बेसन को मिला के मैंने ये डो बनाकर रख लिया है। और जो आंवले का पानी था वो डो बनाने के लिए यूज़ किया है। और इसमें 2 चम्मच ऑयल भी डाला है जिससे कि थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाए। अब हमें बनाने हैं आंवले के आलू, या आप इसे गट्टे भी बोल सकते हैं, आंवले के गट्टे। ये सब्जी बुंदेलखंड की बहुत ज़्यादा बनाई जाने वाली सब्जी है। जब भी गर्मियों का टाइम रहता है या बारिश का टाइम रहता है तो ये सब्जियां बहुत ज्यादा बनती हैं और गांव में अधिकतर बना करती हैं सब्जियां। ये बिल्कुल आपके लिए नई रेसिपी है और आप इसे जरूर ट्राई करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह का शेप देना चाहते हैं। इसे राउंड शेप देना चाहते हैं या आप इसे इस तरह से लंबा शेप भी दे सकते हैं। ये आंवले का और बेसन का जो डो बनाकर रखा था उसके आलू बन चुके हैं। मैंने इसे राउंड शेप दिया है। आप इसे किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। आप इसे लंबा भी रख सकते हैं, जैसे कि बेसन के गट्टे बनते हैं, आप वैसा भी इसमें शेप इसका शेप दे सकते हैं। तो अब हम पानी गर्म करते हैं इनको बॉइल करने के लिए। अब हम गैस को ऑन करते हैं पानी को बॉइल करने के लिए। जब ये पानी बॉइल अच्छी तरह से हो जाएगा तो आंवले के जो आलू बनाकर रखे हैं हमने वो इसमें डालेंगे। और स्टार्ट। ये ग्रेवी बनाने के लिए जो मैंने आपको सामग्री दिखाई थी ये सारा जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मसाला तैयार हो चुका है और हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से। इसमें जो हमने आंवले के आलू बनाए हुए थे वो डाल देते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और इसे ढक कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। इधर हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं, तब तक आलू पक रहे हैं। मिनट हो चुके हैं फ्राई हुए और ये देखिए आलू बढ़िया से फूल चुके हैं। ये सूखे आंवले के आलू जो बनाए थे और ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसे हम गैस से नीचे उतार देते हैं और एक दूसरी कढ़ाई चढ़ाते हैं इनको फ्राई करने के लिए। पहले हम रख देते हैं उतार। और इधर हमारी ये ग्रेवी के लिए जो तैयारी कर रहे थे कढ़ाई अच्छे से हो चुकी है। गरम हो चुकी है। इसमें मैं डालना है सबसे पहले राई थोड़ी सी, थोड़ा जीरा, और ये जो मसाला पीस कर रखा था इसे डाल देना है। स्लो करके रख देना है तब तक मसाला पकता है। और हम आलू देख लेते हैं। आलू को काट के रखते हैं। ये आंवले के आलू ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें काट लेते हैं।
अब इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी सी हींग डालना है इसमें, ये कटे हुए आलू डाल देना है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगी कि ये रेसिपी आप लोग एक बार जरूर बनाएं। ये बहुत ही पौष्टिक भी है और बहुत ही स्वादिष्ट भी। ये अच्छी तरह से सीख चुके हैं, देखिए इनका कलर चेंज हो गया है पूरी तरह से, और ये देखने में भी आंवले की कली की तरह ही दिख रहे हैं। ये मसाला तैयार हो गया। हम ये फ्राई किए हुए आंवले के आलू इसमें डाल देते हैं। और ये जो आंवले का पानी था जिसमें हमने बॉईल किए थे आंवले के आलू, इसे इसी पानी का यूज करते हैं, थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। अब इसे तेज फ्लेम पर पकाना है। जैसे ये तेज फ्लेम पर पकेगी तो इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी। ग्रेवी अच्छे से बन चुकी है, हमारी सब्जी पूरी तरह से पक के तैयार हो गई है। अब इसमें डालना है थोड़ा सा नमक आपके स्वाद के अनुसार। नमक थोड़ा कम ही डालिए क्योंकि इनके आलू में जो डो बनाया था मैंने उसमें भी नमक डाला हुआ था, इसलिए नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। एक चुटकी गरम मसाला, जो भी गरम मसाला आप खाते हैं जो पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। हमारे आंवले के आलू या आंवले के गट्टे कुछ भी कह सकते हैं आप, बनकर तैयार है। ये बुंदेलखंड की गांव में बनाने वाली बहुत ही लोकप्रिय सब्जी है। आंवले के आलू बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक सब्जी है ये। आप सभी जो भी इसे देख रहे हैं एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये आंवले हम जो ठंड में सुखा कर रख लेते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो किराने स्टोर पर या पंसारी की दुकान पर मिल जाते हैं। आप लेकर एक बार ज़रूर से ये सब्जी को बनाकर देखें। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।